ये एशिया का प्लांट है, थाईलैंड, मलेशिया, स्पेन और फिलीपींस में काफ़ी फेमस है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपना, अपनी फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रंगून क्रीपर कम्ब्रेटम इंडिकम। ये एक वाइन प्लांट है जो बेल के रूप में बढ़ता रहता है। ये एशिया का प्लांट है, थाईलैंड, मलेशिया, स्पेन और फिलीपींस में काफ़ी फेमस है ये। चीनी इसे हनीस्कल कहते हैं। प्लांट को अगर ज़मीन में लगा दिया जाए तो ये, इसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त है कि ये आपके पूरे घर को ढक देगा। इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी। इसको फैलने के लिए लार्ज स्पेस चाहिए, जो इसको पॉट में अवेलेबल नहीं हो पाता। जितना इसको लार्ज स्पेस मिलेगा ये उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। इसके बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं, के पिंक, रेड, वाइट मिक्स फ्लावर्स आते हैं जो लटकते हुए काफ़ी सुंदर दिखते हैं। इसके फ्लावर्स गुच्छों में आते हैं। रंगून क्रीपर को पाकिस्तान में झुमका बेल बोलते हैं, इंडिया में इसे मधुमालती बोलते हैं, तेलुगु में इसे राधा मनोहरम भी बोलते हैं। इसके काफ़ी नाम हैं। इसके फ्लावर्स से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस प्लांट के हर्बल यूज़ भी हैं, हर्बल मेडिसिंस, आयुर्वेदिक मेडिसिंस बनाई जाती है इस प्लांट की। इसके जड़ और बीज से हर्बल मेडिसिंस बनती है, बुखार में, नेफ्राइटिस में, जोड़ों के दर्द में इसकी मेडिसिन बनाई जाती है। इंसेक्ट्स को मारने की स्प्रे भी इस प्लांट से दवाई बनाई जाती है। इस प्लांट को फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। आप जितनी इसको सनलाइट प्रोवाइड कराएंगे ये उतना ही ग्रीन रहेगा। जितनी इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी ये उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। काफ़ी हार्डी प्लांट है और इसको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। सर्दी में ये प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, फिर फरवरी से लेकर नवंबर तक ये अपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट करता है। सोइली से कोई भी टाइप की चलेगी, चाहे सैंड हो, चाहे सॉइल हो या चिकनी मिट्टी हो, ये सब में ग्रोथ कर लेता है। काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है ये। पानी इस प्लांट को डेली बेस पर चाहिए फ्रेंड्स। अगर इस प्लांट को कम पानी मिला तो ये मुरझा जाता है। इसको ज़्यादा पानी अच्छा लगता है, इसलिए इसमें डेली पानी देना है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि पानी आसानी से बाहर ड्रेन हो सके। ये फ्लावरिंग वाला प्लांट है इसलिए इसको फास्फोरस और पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट, काउडंग, बोन मील, बनाना पील, वर्मी कंपोस्ट, चाय की पत्ती, नीम की खली, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, जो आपके घर में इजीली मिल जाए, वो आप आसानी से दे सकते हैं। इस प्लांट में कोई इंसेक्ट नहीं लगते, ये काफ़ी हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसको कोई ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। ये एक वाइन प्लांट है जो रूट लेवल से अपनी ब्रांचेज निकालता रहता है। इसको आप ज़िंदगी भर ऐसे पॉट में भी लगा हुआ रहने दे सकते हैं। सीड और कटिंग से ये आसानी से लग जाता है। एक वाइन से आप काफ़ी वाइन्स बना सकते हैं। कटिंग के लिए बरसात का सीज़न सबसे बेस्ट है। बरसात के सीज़न में ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए आप काफ़ी कटिंग्स इसकी लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है ये। बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है इसलिए इसकी कटिंग इजी टू ग्रो हो जाती है। बरसात का मैं इसलिए कहता रहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है और 98% जो कटिंग है वो सक्सेस हो जाती है।
आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।